नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। यहाँ पे बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट मौजूद हैं और ये बत्रा सिनेमा के सामने जो खाली जगह है वहाँ पर ही ये लोग मौजूद थे। इन्होंने अपना जो है प्रोटेस्ट किया है। सर, आप भी इस प्रोटेस्ट में शामिल थे? बिल्कुल, आई एम ऑल्सो यूपीएससी एस्पिरेंट एज वेल एज मेंटर। और एक्चुअली जो बातें होती है अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें, तो आप 2014 से लगातार देखिए जो रेशियो गिरता जा रहा है, जो सीटें हैं वो कम होती जा रही हैं। सबसे बड़ी समस्याएं ये हैं कि इंडिया वर्सेज भारत में जो गैप बढ़ता जा रहा है, उस गैप में जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो हिंदी भाषी क्षेत्र से आया है, वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है और फेस कर रहा है। और इसी चीज़ को लेकर इन लोगों ने आज अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की, बट कोई सुनने वाला नहीं है। अगर मैं सुनने वाला होता तो 0.5% हिंदी मीडियम का इस बार रिजल्ट नहीं होता। जिस देश का प्रधानमंत्री लाल किले से हिंदी में भाषण फेंकता हो, उस देश में यूपीएससी के रिजल्ट 0.5% गिने चुने 5-10 लोगों को हिंदी मीडियम से, वो भी किसी तरह, वो भी प्रॉपर आईएएस नहीं, बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल इतना बुरे रैंक के साथ आगे बच्चों को लाया जा रहा है, जैसे लग रहा है कि वो हिंदी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यहाँ पे आप लगभग 2 दिन से कर रहे हैं, आज ही कराया कल भी करा था आपने प्रोटेस्ट? देखिए, मैं तो आज ही आया हूँ, बट अलग अलग इशूज को लेकर मैं वॉइस रिच करते आया हूँ अपने स्कूल टाइम से ही। स्लम्स और ऑर्फनेज के साथ काम किया हूँ, आज भी स्लम्स के साथ दिल्ली के अलग अलग कोने में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके लिए अभी पांडुचेरी का सीएम ने भी मुझे अवार्ड दिया था। ये प्रोटेस्ट मैं कई बार देख चुका हूँ, जंतर मंतर पे भी मैंने कवर किया था, वहाँ पे भी मैंने देखा एस्पिरेंट जाते हैं वहाँ पे करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ हो नहीं रहा है, कुछ असर नहीं पड़ रहा है। आज भी यहाँ पे हुआ है, आप पहले भी शायद उस वाले में भी शामिल थे। देखो, एक्चुअली रियलिटी क्या है ना, बात होती है आर्टिकल 51A की, ड्यूटीज की, अकाउंटेबिलिटी की। नो डाउट वी आर अवेयर सिटीजन्स, हम सब समझते हैं अपने राइट्स को, ड्यूटीज को, अकाउंटेबिलिटी को, हम अपने अधिकारों को तो समझते हैं, लेकिन सरकार ही आज सिर्फ सरकारी रह गई है। बाकी आपने एनटीपीसी वालों के साथ देखा क्या हुआ, लाठियां बरसाई गई। यूपीएससी वालों के साथ क्या है, हम तो समझते हैं कि आर्टिकल 51 में हमारी ड्यूटीज और हमारे जो बोलते हैं कि हमारे अकाउंटेबिलिटी की बात की, हम उसको समझते हैं, लेकिन जब हमारे पास जाए ऐसे ही चीज़ें, अब यूपीएससी में देखिए कितनी बाइसनेस है। हम पूछते हैं कि लैटरल इंट्री से आप जो आईएएस बना रहे हो या कोलेजियम से जज बना रहे हो, उसमें जो बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं, हिंदी भाषी के बच्चे हैं, वो कितने हैं? बैकवर्ड में ओबीसी एससी एसटी वाले कितने हैं? देखिए, मैं एक्चुअली जो सिस्टम हम लोग देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। यूपीएससी में तो बहुत आज बायसनेस है। एक लड़की मॉडलिंग करती है और अचानक से आती है लेटरल इंट्री में आईएएस बन जाती है प्रॉपर। भाई, कौन से तुमने यूपीएससी की? ये हमारे कोई और नहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी बन जाती है। और हम जैसे यहाँ मुखर्जी नगर, नेहरू विहार और संत नगर बुराड़ी लड़के, किसान के, मजदूर के, देखो हिंदी मीडियम के जितने बच्चे हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लगभग बेचारे बैकवर्ड लड़के हैं, गांव गरीब मजदूर के बच्चे हैं। तो ये सरकार गरीब मजदूर पिछड़ों के विरोध में है, ये चाहती नहीं उनके बच्चे आईएएस बने हैं। नहीं, सरकार तो कहती है हम गरीबों के हित के लिए काम कर रहे हैं। अभी मैं आपसे बात करूंगा, आप बताइए, आप पहले वाले भी आंदोलन में थे, जंतर मंतर में गया था, यहाँ पे भी आप हैं, आखिर बात क्या है? यहाँ पे आपकी कोई सुन नहीं रहा है? पहले भी मैं वहाँ गया था, जब भी कुछ भी नहीं हुआ, आज फिर आप यहाँ पे हैं। देखिए शिवम भाई, पहले आपके जितने भी व्यूवर्स हैं सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम नवीन कुमार है, आई एम ए यूपीएससी एस्पायरेंट। मेरा यह आंदोलन आज से स्टार्ट हुआ है, मेगा प्रोटेस्ट ऑल एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए। और यह नारा मेरा था आज का, समस्त विद्यार्थियों की आगाज़, मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा से करेंगे आवाज़ आगाज़। 20 फरवरी 11 AM से 4 PM तक था। और हमारी मांगे सरकार के पास ये हैं, कोरोना के कारण सभी विद्यार्थियों, यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, आरआरबी हो, रेलवे हो, आईआईटी हो, गेट हो, आर्मी हो, इत्यादि, क्या है, हम सरकार से चाहते हैं, सभी चीज़ हम बता रहे हैं। और ये आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो भी चीज़ आपको बता देते हैं, जिससे आपके व्यूवर्स जितने मेरे दोस्त हो सब मेरे साथ, फिर अभी आगे आगामी हम लोग आयोजन करें तो उसमें साथ रहे आपके। आप जो है ना, आप चाहते क्या हैं ये फटाफट से बता दीजिए, फिर और दोस्त हैं उनसे भी बात करेंगे। हम सरकार से यही चाहते हैं, जो भी मेरा कोरोना पेंडेमिक में जो भी मेरा स्टूडेंट का हानि हुआ, जैसे किसी को किताब भी हुआ है या नहीं, मेरा भी हुआ है, जैसे हम लोग यहाँ से चले गए गाँव तो वहाँ मेरा बुक अवेलेबल नहीं था, उतना नेट अवेलेबल नहीं था। आप बताइए आपका नाम क्या है, आप ये प्रोटेस्ट कब से देख रहे हैं? रवि नाम है, 2 दिन से देख रहा हूँ। एक बार हमने पहले भी किया था एसएससी के सामने, लेकिन अब ये कोरोना चल गया 2 साल से और सीपीओ के फार्म वगैरह नहीं आए, उसकी 25 तक एज होती है, अब हम एवरेज हो गया, आगे फार्म आएंगे तो उसके लिए चाहिए। कहाँ से हैं आप?
हरियाणा से। आप क्या चाहते हैं, आपने यहाँ पे क्या देखा और आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता? सब बच्चों को दोबारा मौका देना चाहिए, इसका प्रेफरेंस देना चाहिए। कोरोना महामारी थी, पूरे देश में थी, लेकिन तो मौका तो सबको देना चाहिए, हमारी गलती थोड़ी ना थी उसमें। आप बताइए आपका नाम क्या है और ये प्रोटेस्ट आप कब से देख रहे हैं? भाई सोमेश नाम है दोस्त, प्रोटेस्ट का तो काफ़ी टाइम हो गया भाई, देख ही रहे हैं, लेकिन वही है बच्चे परेशान हो रखे हैं, सोल्यूशन निकल नहीं रहा, बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है, ऐसी बात नहीं जो भी लग रही है, लेकिन परेशानी ज़्यादा है बच्चों में। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं? भाई देखो गवर्नमेंट है, सरकार हमने मिल के ही बनाई है, तो कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकलेगा ही, लेकिन सरकार को ये थोड़ा जल्दी सोल्यूशन निकालना चाहिए, तो बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? इधर आप पोस्टर देख रहे हैं गांधी जी का, आप इधर बताइए क्या नाम है आपका? नाम क्या है? महात्मा गांधी जी का फोटो दिखा रहे हैं अपना, बताइए नाम क्या है? मनीष। मनीष भाई आप कब से देख रहे हैं यहाँ पे ये प्रोटेस्ट? अभी 10 मिनट पहले। आपको क्या लग रहा है ये, मतलब इनकी बात मानी जाएगी या नहीं, क्योंकि जंतर मंतर पे भी बहुत प्रोटेस्ट हुआ है, इनका कुछ नहीं हुआ भाई? मेरा कुछ मन ना गया। ओके, आप कुछ और कहना चाह रहे थे सर, आप बताइए। अभी हुआ है और देखिए सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं, स्टेट गवर्नमेंट में भी, जो स्टेट गवर्नमेंट का भी परीक्षाओं होती हैं उनमें भी व्यापक स्तर पर धांधली है, और इसका खुद मैं भुक्तभोगी हूँ। JPSC का पेपर देने गया था और वहाँ पर क्या हुआ, वो खुद लेटर उन्होंने लिख कर दिया है JPSC आयोग से, जहाँ मेरा सेंटर पड़ा हुआ है, मेरे बैग में पड़ा हुआ है। लिख के दिया है उन्होंने? उन्होंने ये बोला कि हमारे से गलती हुई है सेंटर पर, और उनके गलती के कारण जिस सेंटर पर मेरा पड़ा हुआ था वो सारे बच्चों की कैरियर आज बर्बाद हो गई है, और इन लोगों ने कुछ सुनवाई नहीं करने वाला है। लोगों ने आयोग को भी मेल किया, आयोग पर भी केस किया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, अब ये मेंस ले रहे हैं। आप चाहते क्या हैं, आप ये बताइए, आप चाहते क्या हैं? अरुण भाई थोड़ा आगे आ जाइए, क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि देखिए आज जो इंडिया वर्सेज भारत में गैप बढ़ता जा रहा है, जो यूपी बिहार झारखंड मध्य प्रदेश जैसे बीमारू स्टेट से युवा आकर मुखर्जी नगर में, हर एक माँ बाप का यहाँ पर ना धड़कन बसती है मुखर्जी नगर में, नेहरू बिहार में लड़के जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय न करो। अगर में कोई भी एग्जाम हो उसको आप निष्पक्ष तरीके से, आप एक जो बोलते ना कि एक प्रोसेस जो होता है उसके तरीके से आप पेपर लो। आप अभी देखे होंगे BPSC का भी पेपर आपको सितंबर में था, उसको बढ़ाते बढ़ाते अप्रैल में ले गया था, इस बीच में जो बच्चा है जो प्रिपरेशन कर रहा है स्टूडेंट, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जा रहा है। आए दिन बच्चा स्टूडेंट युवा आज सुसाइड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का फेलुअर है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का भी है। वर्षों से लड़के तैयारी करते हैं यहाँ पर, 4 साल 5 साल छोटे छोटे 8x10 के रूम में लेकर, और आप लोग उसके साथ क्या करते हो, जैसे ही पेपर होने वाले होते हैं बेरोजगारी हुआ कि करे क्या करे, आप सोच के देखे, जैसे ही पेपर होने वाले थे किसी ने किसी ने धांधली, सीटेट जो दिए थे हमारे भाई बंधु उनके साथ धांधली है, सेंटर पर बच्चा पहुंचा और पता चला कैंसिल हो। आज आज आपने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है, इसका क्या हल निकला, क्या आपकी बात किसी ने सुनी या नहीं? आप सुनने के लिए आए हैं ना, पहले आपके माध्यम से वहाँ तक सुने, लेकिन वो जो बैठी हुई है केंद्र में सरकार, वो गूंगी बहरी अंधी सब है, और उसको फॉलोअर करने वाले भी, मैं कहता हूँ गूंगे बहरे अंधे सब हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके कान पर जू नहीं रेंग रही है। क्यों नहीं रेंग रही है मैं ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि उसकी बहुमत की सरकार है और उसे मालूम है कि किसानों को पीटा कुछ नहीं हुआ, युवाओं को भी पिटाया प्रयागराज से लेकर पटना हर जगह। तो अब युवा अगर मैं नहीं जगा, सारे युवाओं से मैं खुद अपील कर रहा हूँ, युवा साथी जगो, जैसे हमारे फार्मर्स किसानों ने अपना वो जो बोलते हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए आवाज़ उठाया था, वैसे आप भी आगे आओ। और जब तक एकजुटता नहीं दिखाओगे, युवाओं के साथ क्या होता है पता है, प्रोपेगेंडा हो जाता है, सारे पॉलिटिशियंस प्रोपेगेंडा सारे कैसे होता है, कैसे होता है समझ? देखिए होता क्या है ना, कुछ युवा बटा हुआ, युवा एकजुट नहीं है, कोई BJP से है, कोई कांग्रेस से है, कोई अदर क्षेत्रीय पार्टियों से है, तो कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन से है, तो जब युवा क्या है ना कि बटा हुआ है, अब युवा कोई 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 जोश में कोई प्रोटेस्ट भी करता है, आवाज़ भी उठाता है, तो बिखर जाता है, कोई ना कोई पॉलिटिशियन कोई पार्टी आती है उसको प्रलोभन देती है, बोलती है सही, तो युवाओं में एकजुटता नहीं है, इसलिए वो डेविएट हो जाते हैं, इसलिए उनकी आंदोलन टूट जाती है। JP आंदोलन देखिए, JP आंदोलन जो युवाओं की आंदोलन थी क्यों सफल हुआ, क्योंकि उस वक्त एकजुटता थी। आज जो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है या लोगों के अंदर स्वार्थ, आज आपको कई हजार छात्र देश भर के देख रहे होंगे, खास करके UPSC एस्पिरेंट, चाहे वो इलाहाबाद हो पटना हो, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे यहाँ से मुखर्जी नगर से? UPSC एस्पिरेंट देखिए, उन सभी को यही मैं बोलूँगा, और ये मतलब सभी लोगों से मतलब विनम्र निवेदन भी है, अपील भी है कि अपने अधिकारों को भी जानो, आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी भी पढ़ लो, और आप अपने
समानता जो आज भेदभाव हो रही है हर जगह, यूपीएससी में पता है आपको कितना भेद, हमारा राष्ट्र का भाषा आज राष्ट्र तो लोग कहते हैं यूपीएससी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता सर, कर रही है भेदभाव, मेरे साथ हुआ है, हर बच्चों के साथ हुआ जो हिंदी मीडियम का है। आपको पता है आज तक हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी को नहीं बना, राज्यभाषा ही को बन के रह गया। आप कोई भी कंट्री को उठा लो, किसी भी देश में चले जाओ, वहाँ के जितने भी काम होते हैं राजकीय काम, वो सारे काम वहाँ के उनके भाषा में होते हैं, राष्ट्रभाषा में होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हम कहते हैं कि हमारा राज्य भाषा हिंदी है, लेकिन हिंदी में जब उच्च स्तर की परीक्षाएं होती है, जो ब्यूरोक्रेट तैयार होते हैं, जो 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 लॉयर जो जुडिशरी में जाते हैं लोग, वहाँ पर उनको इंग्लिश की जाती है। ठीक है, इंग्लिश करो, लेकिन इस बात को पहले ही आप कह दो कि सारे बच्चों को मैं इंग्लिश वालों को ही लूँगा हिंदी में। बिहार आप बात कर रहे हैं, प्रयागराज, मुखर्जी नगर, पटना, ये सारे जो बच्चे हैं लगभग गरीब किसान मजदूर के बच्चे होते हैं, यहाँ यूपीएससी की तैयारी करने वर्षों से लगे, वही इंग्लिश मीडियम में क्या है। देखिए बायसनेस है, ये एक्सेप्ट करना होगा। 2.5% जानने वाले इंग्लिश क्या इतने लोगों पर राज करेंगे आप? और कुछ कहना चाहते हैं आप, और कुछ कहना चाहते हैं एंड में? हम एंड में यही सभी सभी साथियों को कहना चाहूँगा कि आप अपने आवाज़ को एकजुटता के साथ उठाओ, ऐसा गलती मत करो कि कोई प्रोपेगेंडा में या कोई आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या, क्योंकि युवा अपने आप में किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है। हम सारी युवाओं से बोलते हैं, जिस राष्ट्र का युवा खत्म हुआ राष्ट्र कम, युवा युवा होता है। युवा किसी पॉलिटिकल पार्टी का दलाल नहीं होता है, युवा किसी संगठन का दलाल नहीं होता है, युवा अपने अधिकार के लिए एकजुटता दिखता है, चाहे किसी भी संगठन से आपकी विचार मिलती हो, चाहे किसी भी ओनर से मिलती हो। लेकिन जब युवाओं के रोजी रोटी पर बात आती है तो उनको एक साथ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आज तो हर जगह निजीकरण प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, लेकिन जो कुछ बचा हुआ है उसमें भी ए प्रोपेगेंडा, और इसमें भी अक्सर देखा जाता है, हमेशा देखा जाता है कि एग्ज़ाम से पहले या तो किसी तरह धांधली हो कर दिया जाएगा या कुछ वैसा इंटरनल, अभी लेटरल एंट्री सामने। ये चीज़ें आप पहले बता चुके हैं, और कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए फटाफट। मैं बस यही मेरा कहना था कि आप सब एकजुटता के साथ लड़ें, और सरकार से विनम्र निवेदन है कि जी युवा के बल पर ही कोई भी राष्ट्र का निर्माण होता है, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में प्रमुख भूमिका होती है युवाओं के, उनको अनदेखा मत करो। नहीं तो याद है जेपी आंदोलन में जो युवाओं की जोश, ये आप पहले बता चुके हैं। हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि वैसे ये बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, रिपील कर रहा हूँ बैक टू बैक, ताकि ये जो आपके चैनल के माध्यम से सुने या आप सुने, तो ये जो हमारा प्रोपेगेंडा है, जो युवा बटा हुआ है, वो युवा में जुटता है, इसलिए बातें बार बार बोल रहा हूँ। दोस्तों हम आज बत्रा सिनेमा पर मौजूद थे, और ये पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने खाली जगह, जंतर मंतर पर भी इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, वो हमने पूरा कवर किया था, पूरा दिखाया था किस तरीके से छात्र बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े थे, और वहाँ पे भी बहुत बढ़ चढ़ के हमने ये मुद्दा उठाया था, और आपने बहुत ज़्यादा देश भर से हमें प्यार दिया, ऐसे ही आपका प्यार बना रहे। और यहाँ पे भी क्या चल रहा है मुखर्जी नगर में, ये तो हम आपको डेली दिखाते ही रहते हैं, और यहाँ पे भी छात्र क्या करने वाले हैं और क्या करेंगे वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल मेरा अपना खुद का नहीं, हम सबका है, छात्रों का है, और छात्रों के लिए हमेशा खड़ा रहता है। आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ी चहल पहल है, पीछे जो है पुलिस भी बैठी हुई है, हम यहीं पर आ जाए थे, इन लोगों ने हमें बोला था तो हम यहाँ पे आए, और इनका जो प्रोटेस्ट है लखनऊ में भी जारी है, वहाँ से भी हमारे पास मेल आया था, मैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाया, यहाँ पर पहुँचा और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं किसी और वीडियो में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।